अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कोरोना वायरस से जुड़ी हुई, और कोरोना वायरस को लेकर फर्स्ट इंडिया लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप भी घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, राजस्थान सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी और श्रमिकों को निकालने की पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद अधिकारियों ने इसका खाका तैयार कर लिया है। दूसरे राज्यों की सहमति के बाद चरणबद्ध तरीके से इन्हें वापस लाया जाएगा और उनके घर भेजा जाएगा। शनिवार को वीसी के जरिए उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह जानकारी दी कि प्रवासियों और श्रमिकों को हेल्पलाइन नंबर और एक पोर्टल, साथ ही ई मित्र मोबाइल ऐप अथवा ई मित्र कियोस्क पर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के बाद राज्य सरकार संबंधित राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करेगी और पंजीकृत प्रवासी और श्रमिकों की संख्या के अनुसार उन्हें तय तिथि समय पर अपने घर जाने की व्यवस्था की जाएगी। जो व्यक्ति अपने वाहन से आना चाहेगा उसे पंजीकरण में इसका उल्लेख करना होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से फिलहाल सड़कों पर नहीं निकले और ना ही रवाना हो। गहलोत ने आगे कहा कि कोरोना से बचाव के लिए नियत स्थान पर पहुंचने के बाद प्रवासी और श्रमिकों को क्वारंटाइन किया जाएगा। जो प्रवासी या श्रमिक कर्फ्यू पास लेकर निजी वाहन से आएंगे उन्हें राज्य में एंट्री पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन के बाद आने दिया जाएगा। निजी वाहनों के जरिए बाहर जाने वाले प्रवासियों को भी कलेक्टर चरणबद्ध रूप से पास देंगे। सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए कि इस आवागमन के दरमियान स्क्रीनिंग और जांच की पर्याप्त व्यवस्था हो। परिवहन विभाग बसों, स्थानीय जिला प्रशासन, राज्य की सीमाओं पर अस्थायी आवास एवं भोजन आदि की व्यवस्था कर रखे। सीएम ने प्रवासियों और श्रमिकों से अपील की है कि कोरोना के प्रकोप को देखते हुए आवागमन में सहूलियत के लिए अनुशासन के साथ प्रशासन का पूरा सहयोग करें। अपने साथ आईडी समेत अन्य दस्तावेज जरूर रखें। परिवहन के दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग, स्क्रीनिंग के समय धैर्य बनाए रखें। तो जो प्रवासी मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, वहां से उनको लाने की तैयारी चल रही है। दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी जो पिछले लंबे वक्त से, तकरीबन एक महीने से परेशान हैं, उनके लिए ये राहत की खबर है, अच्छी खबर है। वो अपने घर पहुंचने के लिए लगातार सरकार की तरफ देख रहे थे। लगातार सरकार से श्रमिकों की, प्रवासियों की उम्मीद ये थी कि उनको जल्द से जल्द उनके घर पहुंचा दिया जाए। जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये अलग अलग जगहों से रह रहकर प्रवासी मजदूरों की तरफ से बातें सामने निकल कर आती रही, और उसी फहरिस्त में कल जब वीसी हुई तो वीसी के जरिए सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है और कहा है कि जल्द से जल्द सभी प्रवासी मजदूर अपने घर तक पहुंचे सुरक्षित, और इस बीच जब उनको लाया जाएगा बसों में सवार करके तब भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए और साथ ही इनके खाने पीने की व्यवस्था भी हो और इनके स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए, इनकी जांच हो। और जो प्रवासी मजदूर हैं जो सरकारी बसों से आएंगे, जिनको लाया जाएगा, उनको उनके घर पहुंचने के बाद, गंतव्य तक पहुंचाने के बाद उनको क्वारंटाइन किया जाएगा 14 दिनों तक, और स्वस्थ पाए जाने के बाद ही उनको अपने घरों के लिए रवाना किया जाएगा। और ये भी साफ कर दिया गया है कि जो अपने निजी वाहनों से आना चाहते हैं वो भी आए, लेकिन पंजीकरण कराना बहुत ज़रूरी होगा। इसके लिए ऐप भी है, हेल्पलाइन नंबर भी है, उस पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पंजीकरण करवाना बहुत ज़रूरी होगा। और तमाम जो प्रवासी मजदूर, जो श्रमिक अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों में फंसे हुए, वहां पर तमाम दिक्कतों का सामना उनको भी करना पड़ रहा है। वो वहां की खुद राज्य की सरकारों से लगातार गुहार लगाते रहे। उन्होंने कहा कि उनको उनके घर पहुंचाने के लिए सरकारें कोई इंतजाम करें, और अब उसी दिशा में काम हो रहा है। आपने देखा कि अलग अलग जगहों से अलग अलग राज्यों की सरकारों ने लगातार कोशिश ये की कि किस तरीके से श्रमिकों को, प्रवासी मजदूरों को, जो रोजगार के लिए दर दर भटकते हैं, जो रोजगार के चक्कर में पलायन करते हैं, जो रोजगार के चक्कर में अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनको किस तरीके से सहूलियत पहुंचे, उनको किस तरीके से राहत पहुंचे, ये कोशिश हर सरकार के द्वारा की जा रही है। लेकिन लॉकडाउन होने के चलते तमाम दिक्कतें आ रही हैं। एक जगह से दूसरे जगह कई जगहों से तस्वीरें आईं जब मजदूर जाते हुए दिखाई दिए। कई प्रवासी मजदूरों ने अपने पूरे परिवार के साथ पैदल मार्च किया। हजारों किलोमीटर का सफर, सैकड़ों किलोमीटर का सफर ये मजदूर पैदल ही तय करते हुए भी दिखाई दिए, और उनमें राजस्थान के भी तमाम मजदूर थे जो पैदल ही अपने घर पहुंचना चाह रहे थे। जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद से तमाम तस्वीरें सामने आई देश भर से, जहां पर पूरे परिवार के साथ
दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूर अपने घरों की तरफ रवाना हुए। तमाम परेशानियां उनको उस बीच भी आई, लेकिन उनका एक ही मकसद था कि उनको अपने घर पहुंचना है सुरक्षित, क्योंकि कोरोना का कहर तो पूरे दुनिया भर में है, पूरे देश में है, लेकिन मजदूरों को कोरोना का नहीं बल्कि भुखमरी का डर था। और इसीलिए अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ तमाम देश भर के मजदूरों ने एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन भी किया गए भी। लेकिन अब राजस्थान के श्रमिकों के लिए, राजस्थान के प्रवासी मजदूरों के लिए जो यहाँ रोजगार नहीं मिलने की वजह से अलग अलग राज्यों में गए हुए थे, उनके लिए राहत की खबर है, उनको सहूलियत देने वाली खबर है।